Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 4 quadratic equations. Find the roots of the quadratic equation by factorization. 2x square plus x minus 6 is equal to 0. ठीक है, splitting the middle term करने वाले हैं. 2 into 6 कितना होता है 12, और 12 के ऐसे factors बनाने हैं हमें जिनका difference, यहाँ पे minus का sign है तो जिनका difference इस x का coefficient आ जाए, और x का coefficient क्या है 1. ठीक है, तो 12 कैसे फैक्टर बन गए 4 और 3. ठीक है, प्लस के 4 आएगा और माइनस के 3 आएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1 आ गया. ठीक है, सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ आ गया हमारा x प्लस 2. ठीक है, इन दोनों में, और अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है माइनस के 3, और यहाँ आ गया x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया हमारा 2x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 2, राइट, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/2. इस तरीके से जो हमारे रूट्स आ गए वो क्या आ गए, हमारे रूट्स रूट्स आर माइनस 2 एंड 3/2. ये हमारा आंसर हो गया. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज करने हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.